मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। सीधे उनका आगमन सलामी मंच पर होगा, वे ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी। हमारी आजादी की अभिव्यक्ति तिरंगे को परेड कमांडर श्री आशुतोष गुप्ता के साथ परेड के निरीक्षण के लिए इस सजीले कबीले वाहन में रवाना हो रही है। स्वस्थ बनाने के लिए योग व्यायाम को उनकी दिनचर्या का ही फायर हर्ष फायर तीन बार एसटीएफ का जिसका नेतृत्व कर रहा है अगला व्यक्ति जो विशेष संदर्भ पर चिंतित है आप सभी बहनों भाइयों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। 70 वर्ष हमें आजाद हुए हो गए, लेकिन बहनों और भाइयों, ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। 1857 से लेके 1947 तक 90 साल अनवरत संघर्ष करना पड़ा। दो धाराएं आजादी की लड़ाई के लिए, एक क्रांतिकारियों की धारा और दूसरी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन। हमारे हजारों क्रांतिकारी इस दौरान हस्तहस्त फांसी के फंदों पर झूल गए। भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए कई जवान ऐसे थे जिनके सीने अंग्रेजी संगीनों से छलनी कर दिए गए। उन्हें अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंग दिया। कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार जैसे जेलों में अमानवीय यातनाएं सहते हुए, कोल्हू और चक्की पीसते हुए पूरी जिंदगी जेलों में गुजार दी। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके समर्पण, उनके बलिदान के फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। आओ सबसे पहले उन्हें प्रणाम कर लें। नहीं, नाम से देने के लिए
मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देते हुए एवं उनसे आशीष एवं शुभकामनाएं।